वायरस के प्रकोप के चलते सोशल मीडिया पर अफवाह व धार्मिक अफवाहें फैलाने को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इन सब पर नजर रखने के लिए जिला मंडी पुलिस मुख्यालय में स्पेशल सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है और इस सेल द्वारा ऐसे लोगों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। एसपी मंडी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरी ना होने पर अपने घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों द्वारा गलत प्रकार से कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक टिप्पणियां की जा रही हैं और साथ में धार्मिक भावनाओं को भी भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने 7 मामले दर्ज किए हैं। एसपी मंडी ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर शेयर ना करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से मकान मालिकों द्वारा अपने किराएदारों को वहां से जाने के लिए बोलने की भी शिकायतें मिल रही हैं। कोरोना वायरस के जो प्रकोप को बढ़ते हुए देख करके हम मंडी की जनता से अपील करते हैं कि वो अपने जब तक जरूरी ना हो अपने घर से बाहर ना निकलें। और यदि आपको घर से बाहर जाना भी पड़ता है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें और जो भी पुलिस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। इसके अलावा ये भी पाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया पे गलत प्रकार से कोरोना वायरस को लेकर के या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली कुछ टिप्पणियाँ भी लिख रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने 7 केस भी दर्ज किए हैं और हमारा एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी बना हुआ है, वो भी लगातार ऐसे लोगों पे नज़र रखे हुए हैं। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह की कोई भी टिप्पणी सोशल मीडिया पे ना डालें और जो आपसी भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। और ये भी कुछ जगह से हमें शिकायतें आ रही हैं कि कुछ लोग जो हैं अपने किराएदारों को जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको वहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरह की कोई भी इस समय में बात नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर के कोरोना वायरस को लड़ना है, तभी हम इस पे जीत पाएंगे। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट।